हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, मैं एक्चुअली कल इतना लेट हो गया था, पहले तो शॉपिंग करी, फिर हम लड़के वालों के यहाँ कार्ड देने गए थे, तो वहाँ से आते आते 10 बज गए थे, तो फिर मैं घर नहीं आया, मैं ससुराल में रुक गया था। तो रात को बातें करते रहे काफ़ी देर तक, सुबह नाश्ता पानी करके अब मैं घर जा रहा हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आज के दिन की पूरी दिनचर्या, क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ हम जाएंगे। अगर मैं पहले बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो जो जो मैं करने वाला हूँ सारा दिन मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम टू गिव मी, फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम। ये आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ घर, गाड़ी कर दी है लॉक। ये है हमारा घर, ये मेरी कंपनी का बोर्ड आप देख सकते हैं, इको फ्लैक्सी बैक। तो मेरी बुलेट खड़ी हुई है और बड़ी बड़ी निराश है अकेली, जिसे मैंने कल से चलाया नहीं। तो हम चलते हैं घर में। तो घर में मुझे ऐसा लगता है कोई नए शख्स आए हुए हैं, मिलते हैं उनसे। ये आते ही मिल गई मम्मी सामने फ्रंट गेट पे। हेलो करो सबको, नमस्ते बेटा। ये है नन्नू। हेलो नन्नू पन्नू बोला। हेलो गाइस, हेलो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, मामा के लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये दन्ना दुखी हो के क्यों बोल रहा है? हंस के बोल, हंस के ही तो ऐसा बोल रहा, जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ। तो दोस्तों, जस्ट मैं अभी घर पहुंचा हूँ। तो वेलकम दीदी, दीदी मिल गई है हमें घर पे। ये है हमारी मौसी जी की सबसे छोटी बेटी उमा दीदी। कैसे हो दीदी? बोलो हेलो गाइस। बढ़िया बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। कब आए आप? अच्छा, पापा के पास होके आया हूँ मैं ड्यूटी पे। हेलो दोस्तों, एक्चुअली दिन में मैं शूट नहीं कर पाया कुछ भी, क्योंकि मैं थक गया था थोड़ा और ऐसी नींद आ गई, मैं सो गया था। बड़े हरामी हो बेटा। तो अब मैं जा रहा हूँ साले साहब को लेने और अपनी कजन सिस्टर और रियल सिस्टर दोनों को कार्ड देने। तो हेलो दोस्तों, एक्चुअली मैं दिन में सो गया था, रेस्ट कर रहा था, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया और ना इधर उधर गया। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ साले साहब को पिक करने और फिर मैं अपनी दोनों बहनों के यहाँ कार्ड देने जा रहा हूँ, और शादी का कार्ड। फिर आपको उनसे मिलाता हूँ और देखते हूँ कि घर पे कौन कौन मिलता है सारी चीज़ें। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस बेहतरीन व्लॉग में। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस शॉप पे, क्या कहते हैं, पिंकी के ससुराल में घड़ी देने के लिए। मैं टाइटन की घड़ी देखा ले रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी घड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये है बत्रा वॉच, जो कि लोकेटेड है कल्याणपुरी में, जहाँ पे गैजेट शॉप भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन है, ये भैया जो दे रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत चीज़ें मिल जाती है। तो हम ले रहे हैं घड़ी, दिखाते हैं आपको कौन सी घड़ी ले रहे हैं। भैया हमने जो घड़ी ली है वो ये है टाइटन, काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये है हमारा गिफ्ट देने के लिए, बने रहेगा मेरे साथ, बाकी इसको पैक कराते हैं। तो आप देख सकते हैं घड़ी में बज चुके हैं हमारी 9:05, और हम इतने लेट जो हो गए हैं, 8 बजे निकले थे, 9:01 हो गया। वो इस वजह से क्योंकि हमारे इधर मयूरा फेज 3 में इतना जाम था, एक रोडवेज बस वाला दारू पी के गाड़ी चला रहा था उसे। आ चुका है मिठाई की दुकान पे, क्योंकि यहाँ मुझे ये मिली और कुछ खास तो मिली नहीं। अंकल जी रसगुल्ले हैं वाइट वाले, क्या रेट है? किलो आधी आधी किलो के दो डब्बे दे दो।
अंकल जी, ये इनकी मिठाइयाँ हैं, हम इनसे ले रहे हैं आधी आधी किलो के दो रसगुल्ले के डब्बे। ले चुके हैं दो मिठाई के डब्बे, ये देखो जतिन भाई के पास हैं। और हम जा रहे हैं, अब हम पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी ना कंजेस्टेड एरिया है, तो पार्किंग का थोड़ी सी समस्या है। तो दोस्तों हम पार्किंग की जगह ढूंढते हैं और गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, देन फिर चलते हैं। कार तो एक बहाना, हम तो मेन पार्टी खाने आए हैं दावत। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। तो मिलते हैं आपसे घर पहुंच के सब। तो दोस्तों आप देखेंगे हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट शीतल के यहाँ, और मैं आपको उसकी गली दिखाता हूँ और फिर उसका दिखाता हूँ घर पे कौन कौन मिलता है और किसका कैसा एक्सप्रेशन होगा हमें देख के। ये है उनकी गली। हम एक्चुअली बैक साइड से आए हैं क्योंकि सामने की तरफ गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती, हम आए हैं पीछे से। ये उनकी अपनी पर्सनल गली। क्या बोला तूने? पर्सनल गली इन द सेंस मेन गली, यहाँ उनका घर है। और हमारे आने से पहले गेट खुल गया है। ये आ गया है मोटू। ये फंस गया सी है। ये गोलू मोलू, तू हमें देख के पल्ला क्यों कर रही है? तेरी गेट लग गया। ये ना मैं देख के पल्ला कर लिया क्योंकि पड़ोस के सराहना नहीं था। ये तो अपने आप में बहुत गर्म। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों हम चलते हैं ऊपर की तरफ जीने में। निको कहा है? निको ये है एलिस। हेलो गाइस, ये है हमारा चुटंकी निको, और ये है हमारी मौसी जी। भैया नमस्ते। मौसी जी खा रही है माल नॉन वेज? मौसी नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हूँ भैया। ये है निको। निको हेलो करो, बोलो हेलो गाइस। टक्कू भैया कहाँ है? टक्कू भैया हाँ पल्ले कर रहे हैं। अच्छा टक्कू भैया को बुलवाते हैं फिर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सीमापुरी और बच्चे सब मिल गए हैं। टक्कू आने वाला, ये है निकू। निकू करो हाय। ये इनकी बड़ी फरमाइश है, वैसे इनसे डायपर ना पहने जाते थे, फरमाइश इनकी बहुत तगड़ी है। और हमारा नाश्ता पानी भी आ गया जी, ये बढ़िया था गुरु। और बाकी जिया जी का बेटा है, वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। एलिस कैसा खड़ी है राधा कृष्ण जी की पोज में? ये है टक्कू भैया। टक्कू भैया क्या पी रहे हो? पानी कोल्ड ड्रिंक? किसने बोला, किसने दी है? तो ये तो मना थी कि बच्चों को नहीं देनी हमें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये बच्चे ऐसे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आइसक्रीम भी, आइसक्रीम के लिए भी सब कुछ कर सकते हैं। हाँ आइसक्रीम, ये 2024 के बालक हैं। हाँ आप क्या कह रहे हो? आप क्यों जाग रहे हो गरीबों की तरह कैमरे में? आप बताओ। जस्ट चिल डाउन। ये आप लोग कौन है? आप क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो? कुछ सब्सक्राइबर से कुछ कहना चाहो, यूं बोलो। मेरे मामा का चैनल लाइक करो, लाइक करो, बोलो शेयर करो। मतलब मुंह से नहीं बोला जाए, इशारों से ही होगी सारी बातें। अच्छा ये एक्चुअली ना इन दीदी ने पान खाया। 2 minutes later तो इसलिए बोल नहीं पा रही। तो दोस्तों ये आ गया है हमारे लिए माल पानी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये चिकन हम तो खाते हैं, फटलू तो डालते हैं। ये है नान और ये है टक्को भैया। चिकन लवर बोलो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलियन कर दो भाई। और निको और है जी। अच्छा और ये आ गए जतिन भैया। तो दोस्तों हम अब अलविदा कह रहे हैं, खाना पीना हो गया सब। देखो मैं तो कार्ड वार्ड तो बहाना था, मैं तो चिकन खाना आए थे, दावत खाना आए थे। तो इसने खिलाया हमें बहुत बढ़िया चिकन बना के, पर जिया जी के हाथ का चिकन अलग ही है, बहुत बढ़िया बनाते ही है। तो पापा इज मास्टर शेफ। पापा इज मास्टर शेफ।
तो टक्कू भैया आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? सोच लो पहले। हाँ ये कर लो पहले। पॉल्यूशन हो रहा है घर में बैठो मेरे अलावा। अच्छा तो चलो चलते हैं फिर। निकू बाय बाय करो। अच्छा अली भैया बाय। चलो चलते हैं। अब आएगा नहीं भाई इधर को? हैं? अब इधर को तो विदा बंद की देगी हमें। विदा बंद की देगी तो बता आ जाएंगे। हैं? तुम फंसा लो हमें। जाएगा तो इधर को ही टागो वो पकड़ के रस्सी बांधे। चलो जी जाना तो इधर को ही पड़ेगा। हैं? और बाकी ना जहाँ हम जा रहे थे वहाँ गली में थोड़े से कुत्तों का खौफ है तो ये हमारे साथ जा रहा बचाने के लिए। ये हमारा सेवा रक्षक है। ये बाउंसर है हमारा। जैसे कुत्ता चिपटेगा ये चिपट जाएगा उसके। कहेगा मैं अपने मामू को आँच नहीं आने दूंगा। चलते हैं। तो हम चल चुके हैं सीमा दीदी के घर की। ओ रिटक्कू भैया हमारे मार्गदर्शन है, ये हमें ले जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सीमा दीदी के यहाँ। ये है सीमा दीदी की गली। अब देखते हैं हमें अंदर कौन कौन मिलेगा। ये हमने एंट्री ले ली घर में। आ जाओ जितिन। ये है अम्मा जी। अम्मा जी शायद सो रही हैं तो अम्मा जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये हैं तीनों बालक बच्चे। ये देखो गरीब से बेचारे। एक फोन में गरीब हालत। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे हैं। और ये हमारी दीदी आ गई है। तो दोस्तों हमने नाश्ता पानी कर लिया है, आप देख सकते हैं भर पेट बच्चे से। और ये है दीशु भैया। झूठा वो कर रहा है। और ये तो फोन में लगा रहा है इसका, रिश्तेदारों से किसी से मतलब नहीं। ठीक है तो दीदी ने बहुत अच्छी खातिरदारी करी। अम्मा जी का आशीर्वाद मिल गया। तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ओके टक्कू बाय। क्या बनाया जा रहा है? तो हम फिर द्वारा बहन के आए हैं क्योंकि ये पड़ती है रास्ते में। ये भी मेरी गलती है। मतलब बिना यहाँ मिले आप जा ही नहीं सकते। मतलब मम्मी रास्ता रखती है। हाँ तो इसलिए फिर मिलके बच्चों से भी मिलना जरूरी हो गया था। बच्चों बाय। निकू बाय। बाय। अच्छा बहन बाय। ये हमारा गोलू मोलू, इसकी कितनी बेइज्जती कर ली पुरानी मंदी। कैसी लगी आगे स्वाद? पर ये सब पता है इसके भाई कितना प्यार करते हैं। चल तो चलते हैं। हम घर आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये है मर्दों का मर्द सुमित। सैंडो बनियान में सुमित बॉडी दिखाओ अपनी। ऐसे तोले उठा है। शर्मिंदा हो गया। अबे ओ चचुंदर खेलूंगा इतना बेटे। मतलब मेरे और भाई में अपना लोग करी बता रहा हूं। ये कुछ कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है जल्दी बता। कुछ नहीं कह रहे भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सब कर दो। सब तू पहले कर और सब बात ठीक है। तो हम पहुंच गए घर दोस्तों। आ जाओ हम देख बता दे। सोनोग्राफिक आर्टिस्ट हम देखते हैं मम्मी को। ओ बेटे की यार ये मम्मी कितनी गुस्से में हो पर कैमरा देख के खुश हो जाती। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा। ये फेमस होने का शौक है ना। ये ऑनलाइन आना चाहते हैं। ये हम थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए हम सीधे इधर ही आ गए। आगे गए नहीं। क्या कहना चाहोगे आप इस पे? वो तो जतिन आया इसलिए कुछ बोल नहीं रही मम्मी। इतना भक्ते में नजर आते अभी। क्या कह रहा है? अभी जतिन आया इसलिए कुछ कह नहीं रही। नहीं तो अभी भक्ते भक्ते आते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। चलो अब हम सोते हैं। तो हम घर आ चुके हैं। आप सोने का टाइम हो गया। थोड़ा सा ऑफिस का काम करेंगे फिर सोएंगे। आज जतिन भाई हमारे साथ हैं तो फुल नाइट पार्टी होने वाली है। हाँ?
दोस्तों व्लॉग बताना कैसा रहा सारे दिन का, और लाइक शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और बताना व्लॉग में कुछ कमी हो तो हम उसको सुधारेंगे। इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल सोनू ग्राफिक आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच।